हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं एसके मासूद और आज नया वीडियो के साथ आया हूं जिसका नाम है ड्रेप या ड्रॉप। ड्रेप या ड्रॉप कान के इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाते हैं। इसके बारे में और भी जानकारी बताने वाला हूं इस वीडियो में। आप बने रहिए और आप नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना और जाते जाते बेल आइकॉन भी बजा देना, क्योंकि आगे मेडिसिन की जानकारी कोई भी वीडियो पोस्ट करे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ड्रेप या ड्रॉप के बारे में फुल जानकारी दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट तक देखोगी तो तब भी आप फुल इन्फॉर्मेशन जान पाओगी। ड्रेप या ड्रॉप यूज कैसे करे, डोज कैसे ले, इसका बेनिफिट और साइड इफेक्ट के बारे में। ड्रेप या ड्रॉप DWD फार्मास्यूटिकल से मैन्युफैक्चर होती है। 5 ml की आती है। इसका जो MRP है 84। इसका जो इंग्रेडिएंट्स है, सल्फेट 0.5%, बेक्लामेथासोन डिप्रोनेट 0.025%, कॉट्रिमेजल 1% और लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड 2%। आपको ये किसी भी मेडिकल स्टोर्स पे आसानी से मिल जाएगी। आप जान लेते हैं ड्रेप या ड्रॉप किन किन कंडीशनों में यूज किया जाते हैं। कान में कोई भी इन्फेक्शन हो इसको यूज किया जाते हैं। कान में दर्द या सूजन हो इसको यूज किया जाते हैं। कान में पानी बहना, उस कंडीशनों में इस या ड्रॉप को यूज किया जाते हैं। कान में फोड़े फांसी या घाव वगैरह हो उस कंडीशनों में भी इस या ड्रॉप को यूज किया जाते है और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलता है। और कभी कभी माँ बच्चे को दूध पिलाने के वक्त कान में जो दूध अंदर चले जाती है उसके लिए कान में पानी बहना या कीड़े मकोड़ा होना या सूजन दर्द कोई भी हो उस कंडीशनों में भी इस ड्रॉप को यूज किया जाते है। कान में मैल हो उस कंडीशनों में भी इसको यूज किया जाते है। कान में खुजली या इचिंग होना उस कंडीशनों में भी इस ईयर ड्रॉप को यूज किया जाते है। कान में चोट लग गया उसके लिए, दर्द हो रही है या खून बह रही है उसके लिए भी इसको यूज किया जाते है। इन सारे कंडीशनों में इस ड्रेप ड्रॉप को यूज किया जाते है। आप जान लेते हैं इसका डोज लेने की सही तरीका। डोज लेने से पहले अपने डॉक्टर को पास जरूर सलाह लेना है और आपका कंडीशन देखते ही डॉक्टर डिसाइड करेगा कितने डोज लेने चाहिए। नॉर्मली 1 साल से 6 साल उम्र बच्चे 1 बूंद करके 3 टाइम ले सकते हैं और 6 साल से 18 तक उम्र लोग इसको 2 बूंद करके दिन में 3 बार या 2 बार ले सकती है। डॉक्टर कंडीशन देखते ही डोज डिसाइड करेगा कितने डोज लेने चाहिए इसको। आप जान लेते हैं इसका साइड इफेक्ट क्या है। साइड इफेक्ट ज़्यादातर कुछ दिखाई नहीं देती है और नॉर्मली दिखाई देती है। जो आपका कानों में सूजन या दर्द हो रही है उसके लिए आप यूज कर रही हो, यूज करने वक्त आपका कान में जो दर्द और सूजन और भी बढ़ रही है, आप पता चलेगा जो साइड इफेक्ट हो रही है, आप तुरंत बंद कर दे और डॉक्टर को सलाह लीजिए। और कान में खुजली या इचिंग होना इसके लिए भी ये साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, तो आप तुरंत डॉक्टर को सलाह लीजिए। और एक बात, कोई भी मेडिसिन यूज करने के बाद डॉक्टर को सलाह लेना। ये रहा ड्रेप ड्रॉप की फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी और अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। और ड्रेप ड्रॉप की बारे में कोई भी डाउट है तो कॉमेंट बॉक्स पे पूछ सकती हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग डिजिटल मेडिलाइफ।